हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं हूं नूर सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं प्रेसिडेंट को लेकर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। और 5 साल का टर्म रामनाथ कोविंद का पूरा हो गया है और इस 5 साल के बाद अब नया प्रेसिडेंट कौन होगा, इस पर बहुत चर्चाएँ हो रही हैं। और 2 बड़े कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं। एक आपकी द्रौपदी मुर्मू, जिसको बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया है, और दूसरे हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा इनके अपोजिशन में है और बाकी जितनी भी पार्टियां उन सब का एक कंबाइंड लीडर है। तो क्या है प्रेसिडेंट का इलेक्शन और क्या है इसकी गणित, क्या है इसके अंदर का टेक्निकल पॉइंट जो डिसाइड करता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा और किस तरीके से बनेगा, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। और जो भी प्रेसिडेंट के हमारे कैंडिडेट हैं अभी, उनके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के इतिहास को भी जानेंगे। प्रेसिडेंट का संवैधानिक दर्जा भी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि समझेंगे किस तरह से प्रेसिडेंट हमारे लिए कितना यूज़फुल है, कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की, तो वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, भारत की कार्यपालिका का बोल सकते हैं अध्यक्ष या हेड होता है, मेन आदमी होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले जानते हैं आपके करंट सीनियरों के हिसाब से। अगर हम बात करें तो रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर 24 जुलाई को पूरा होने वाला है और उससे पहले हमें नए प्रेसिडेंट का चुनाव कर लेना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसका जो चार्ज दिया गया वो किसको दिया गया, वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया। कैसे दिया गया? इलेक्शन कमीशन को ये चार्ज दिया गया कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह का होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। किस तरह का होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसे भी कौन कराता है? इसे आपका कराता है इलेक्शन कमीशन। ये याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर होता है उसमें इलेक्ट्रल कॉलेज या निर्वाचन मंडल होता है, जिसमें पार्लियामेंट और सारे MLAs शामिल होते हैं। MLCs नहीं, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स और सारे MLAs शामिल होते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर, ऑल द इलेक्टेड मेंबर, सारे इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होते हैं। इस बार अपोजिशन की तरफ से कई सारे लोगों के नाम है। पहला नाम आया गोपाल कृष्ण गांधी का, बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। फिर शरद पवार, जो बहुत दिग्गज नेता है, इनका नाम आया, इन्होंने भी कहा कि अब मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, इन्होंने भी मना किया। फिर कश्मीर के फॉर्मर CM फारूक अब्दुल्ला का भी नाम आया, तो फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पोस्ट के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फाइनली तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट यशवंत सिन्हा ने इसके लिए हाँ बोला। तो अगर हम बात करते हैं तो अभी कंबाइंड बीजेपी के अपोजिट अगर कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा है तो वो यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा का एक बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है, पहले ये बीजेपी में थे, बाद में 2018 में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। तो यशवंत सिन्हा का अपना एक अच्छा बड़ा बैकग्राउंड है। अब ये देखना है कि क्या रिजल्ट रहता है, किस तरह का रहता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दूसरे कैंडिडेट जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अपने आप में एक इतिहास रच सकती हैं। क्या इतिहास रच सकती हैं? ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बन जाएंगी, पहली महिला और साथ ही साथ जनजाति की महिला बन जाएंगी। तो जनजाति के पहली राष्ट्रपति कौन बनेंगी? द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं। तो इनके पास एक चांस है और द्रौपदी मुर्मू का एक अच्छा बड़ा कैरियर रहा है। तो चलिए पहले इनके बारे में कुछ जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। 20 जून 1958 को ये पैदा हुई, ठीक है, और ये बीजेपी की मेंबर हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की ऑफिशियल नॉमिनी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये झारखंड की गवर्नर भी रह सक चुकी है 2015 से 21 के बीच में और ये उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती है और झारखंड की पहली महिला गवर्नर, इसे याद रखिएगा। ये झारखंड की एकमात्र ऐसी गवर्नर भी हैं जो 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा किया इन्होंने। अब अगर हम बात करते हैं तो इनके पास अपना एक बड़ा
पॉलिटिकल कैरियर है। ठीक है, पहली चीज, अगर ये प्रेसिडेंट बनती है तो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगी। दूसरी चीज, ये कहां से बिलोंग करती है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। और पॉलिटिक्स में आने से पहले एक टीचर, ये बीजेपी की 2 बार एमएलए भी रह चुकी है, याद रखिएगा, मयूरभंज उड़ीसा से ही, सन 2000 और 2009 में। साथ ही साथ ये मुर्मू वॉज द फर्स्ट कंसिडर्ड अ कंटेंडर 5 ईयर अगो वेन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वॉज सेट टू बी लीव राष्ट्रपति भवन। और इससे पहले ये प्रेसिडेंट की कंटेंडर बनने वाली थी जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद को छोड़ रहे थे, उस टाइम इनको बनाने की बात चली थी, लेकिन उस टाइम इनको नहीं बनाया गया। और बीजेपी और बीजेटी के कोलिएशन से, ये याद रखिएगा, सन 2000 में ये कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री पोर्टफोलियो को संभाला था, ये याद रखिएगा, कहाँ पर, आपका झारखंड में। और 2009 में बीजेपी में से ये जीतने में भी बहुत सक्सेसफुल रही, इनका एक बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है। और ये 2015 में झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं रही, इनके बच्चे और इनका जो 2 बच्चे हैं और इनके हस्बैंड है, इन्होंने इनको खो दिया है। एमएलए बनने से पहले ये काउंसलर भी थी रंगपुर नगर पंचायत की, याद रखिएगा। और आफ्टर इलेक्शन, विनिंग इलेक्शन, ये वाइस प्रेसिडेंट बनी बीजेपी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा की। तो इनकी काफी लंबी जर्नी है, आप इसे देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इनके पीछे की गणित। देखिए, गणित बहुत सिंपल सी है, आपका जो भी वोटिंग होती है, वोटिंग के प्रोसीजर को आपको समझना है। आपका आप इस वोटिंग के सिस्टम को समझ लेंगे तो आप काफी कुछ यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एमएलए और एमपी मिलकर इनके लिए वोट करते हैं। हर एमएलए का एक वोटिंग वैल्यू होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वोटिंग वैल्यूज आपको दिखेंगी। ये देखिए, ये जो वोटिंग वैल्यूज है ना, जैसे आंध्र प्रदेश के एक एमएलए की एक वोट की वैल्यू 159 है, अरुणाचल प्रदेश के 18 है, इसी तरह से हर स्टेट के है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी एमपी होते हैं उनके एक वोट की वैल्यू लगभग 700 के करीब होती है, 708 के करीब, है ना। तो अब जितने भी लोग वोट करते हैं आपके फेवर में, तो उनके ये नंबर जुड़ते जाते हैं। अब ये नंबर कैसे डिसाइड होते हैं, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है स्टेट की, जितनी भी आपकी स्टेट की पॉपुलेशन है, उससे आपके नंबर ऑफ एमएलएस के सीट से डिवाइड करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं और फिर ये नंबर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये देखिए 1000 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, ये याद रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये टोटल वैल्यूज़ हैं पॉइंट्स की हर एक स्टेट की। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको हर एमएलएस, हर एमपीस के वोट की वैल्यू होती है और जिसने जिस भी फेवर में दिया है उसकी वोट की वैल्यूज वहाँ पे काउंट होती रहेगी, जुड़ती रहेगी, याद रखिएगा। सारे वैल्यूज ये लिखी हुई है, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट अगर देखा जाए, देखिए सारे स्टेट की वैल्यूज लिखी हुई है, सबसे कम वैल्यू किसकी है, आपका अरुणाचल प्रदेश की अभी तक दिखाई दी है। और देखिए अच्छे वैल्यूज़ में आपका केरल है 152, 176 में आपका झारखंड है, ठीक है, 173 में बिहार है, ये सब पावरफुल एमएलएस के एरियाज हैं। अब देखिए, ये देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यूज जो है किसी एक एमएलए के वोट की है तो वो कहाँ की, उत्तर प्रदेश की 208, और सबसे कम वैल्यू आपका सिक्किम की है, 8 से भी कम सिक्किम की है, है ना। तो आप देख सकते हैं सबका अलग अलग है, टोटल पॉइंट भी यूपी के बहुत ज़्यादा है। और सारे एमएलएस के पॉइंट्स अगर मिला लें तो 549,495 पॉइंट्स हैं। और इसी तरह के सेम पॉइंट आपके एमपीस के भी होते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन क्या बता रहा है, वैसे तो आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आसानी से द्रौपदी मुर्मू जी जीत जाएंगी, मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट आंकड़े क्या कहते हैं उसको भी एक बार देखना चाहिए। देखिए जो बीजेपी की प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो 5,39,827 वोट को पा सकती हैं क्योंकि बीजेपी के पद इतने हैं, ठीक, एमपीस के 3,23,556 हैं जबकि एमएलएस के 2,16,271 है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है
कौन सा नंबर? ये 5 लाख वाला, देखिए टोटल नंबर, ये दो ही कैंडिडेट हैं, दोनों में बटेगा। अब देखो ये नंबर है, लेकिन 51% या 50% से एक वोट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी हमने देखा 50% वोट तो भैया ये है, नीचे जो लिखा हुआ है 5 लाख लगभग 50,000 के करीब, या 5,49,495, ये टोटल नंबर ऑफ वोट होने चाहिए इससे थोड़े से ज़्यादा, ताकि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत सको। लेकिन जबकि इनका बन कितना रहा है, बन रहा है 5,39,827, मतलब अभी भी थोड़े 10,000 की कसर है। तो अभी क्या है, दूसरी पार्टियों का भी इनको अलायंस चाहिए, अगर दूसरी पार्टी इनके अपोजिशन में चली गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे तो 99% चांसेस हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी ही जीतेंगी और इसमें इलेक्शन जीतने के बाद वो प्रेसिडेंट बनेंगी, मतलब मेन कैंडिडेट हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है। बट यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब आपके कैंडिडेट नहीं जीत पाता है, तो मे भी ये केस बन सकता है। चलिए ये तो बात हो गई कि कैंडिडेट कौन है और क्या क्या है। अब राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 53 बताता है, राष्ट्रपति जो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। 54 क्या बताता है, निर्वाचन मंडल। देखो अब राष्ट्रपति न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड एक एक चीज़ न्यूज़ में होगी, पेपर में आएगी। तो इलेक्टोरल कॉलेजेस, मतलब इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्टिकल 54। इसका इलेक्शन का प्रोसीजर आर्टिकल 55, जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपका आर्टिकल 56 में आता है। क्या ये री इलेक्शन इसका हो सकता है, आर्टिकल 57 में आता है। इसकी क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में आती है। इसको जो भी अलायंसेज मिलते हैं वो आर्टिकल 59 में आते हैं। इसकी शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, आर्टिकल 60 में आता है। और इसको हटाने की बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, वो आर्टिकल 61 के अंदर आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति से संबंधित ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद या आर्टिकल है जो आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, है ना, क्योंकि ये राष्ट्रपति न्यूज़ में है तो फेमस है। अब राष्ट्रपति की अलग अलग शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति किस आर्टिकल के अंदर आती है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसकी एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 73, 74, 78 के अंदर है, लेजिस्लेटिव पावर 79, 80, 85, 87, 108, 123 के अंतर्गत आती है। जुडिशियल पावर डिस्क्राइब होती है 72, 143, 145, 277, 224। फाइनेंशियल पावर 112, 280। मिलिट्री पावर 53 सब क्लॉज 2 और एमरजेंसी पावर 352, 356, 360। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 35। याद रखिएगा, आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से कोई भी अभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ये याद रखिएगा। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है और इसको कौन शपथ दिलाता है, भैया इसको शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, इसको शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अभी कभी भी राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देता है तो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। सपोज करो अगर राष्ट्रपति नहीं है या किसी वजह से उसने रिज़ाइन कर दिया है तो उसकी जगह पर कौन रहेगा, टेम्परेरी फॉर्म में उपराष्ट्रपति। और उसी टाइम में उपराष्ट्रपति ने भी रिज़ाइन कर दिया तो उसकी जगह पर कौन आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बदल सकते हैं। अभी तक हमारे पास बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे हैं, इस वक्त जो नया प्रेसिडेंट है वो 16th नंबर के प्रेसिडेंट होंगे, इसे याद रखिएगा। भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पर, ये पहले उपराष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति बने। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये वो एकमात्र प्रधान राष्ट्रपति हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, याद रखिएगा, ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले ये पहले हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर हिदायतुल्ला पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरी मतगणना में, काउंटिंग होती जब तक 50% से थोड़े से ज़्यादा वोट नहीं हो पाते तब तक आपको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, तो ये दूसरी मतगणना में या दूसरी काउंटिंग में हुए। फिर उसके बाद बने फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, है ना, पहले जाकिर हुसैन थे, दूसरे ये।
फिर वीरी जट्टी तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, पहले कौन थे वीवी गिरी, दूसरे हिदायतुल्ला, तीसरे आपके बीडी जट्टी। नीलम संजीव रेड्डी ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, याद रखिएगा। फिर ज्ञानी जायल सिंह ये वो राष्ट्रपति है जिन्होंने जेबीए वीटो का इस्तेमाल किया था, पॉकेट वीटो जिसे बोलते हैं। आर वेंकटरमन सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्तियों में से एक थे। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो इनके पास एक रिकॉर्ड है, इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ये वो टाइम था जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, लगातार प्रधानमंत्री बदल रहे थे। के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, बीजेपी गवर्नमेंट में ये बने थे प्रेसिडेंट। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर श्री रामनाथ कोविंद, और अब कौन बनेगा ये देखने वाला है। श्री रामनाथ में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उससे पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। सारे राष्ट्रपति को एक बार आप पिक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, लाइन से सारे राष्ट्रपति आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद जो थे वो 15वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 14वें नंबर के प्रेसिडेंट बने, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो इलेक्शन होगा वो 16वें नंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, 16वें नंबर का, 16 नंबर का। और इसमें जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो 15 नंबर के होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बने, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अभी जो इलेक्शन होगा वो कौन से नंबर का होगा, वो 16वें नंबर का राष्ट्रपति, 16 नंबर का। तो गाइस यही आज के लिए है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू सो मच।